हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपने ससुराल में, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में अपने ससुराल की। मतलब जो है मंदिर है, ये मिल माई मतलब मिल वाली माई बोली जाती हैं। तो यहाँ पे ना लक लगा दिए गए हैं, इसलिए कि मतलब वो अंदर कोई नहीं जाता है, कोई भी हो तो पंडित जी नहीं जाने देते हैं। शायद कुछ रूल होगा, तो सब लोग ऐसे बाहर से ही पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी बाहर से ही पूजा कर रही हूँ। मेरा कुछ मन्नत था, तो माँ ने मन्नत मेरा पूरा की थी, तो वही मैं गई थी अपना मन्नत पूरा उनका करने के लिए। क्योंकि हमारे घर में जो पूजा है शिव जग, वो शंकर जी के आने के बाद से हम 6 महीने तक कोई मंदिर नहीं जा पाऊँगी, या कोई मतलब कहीं भी मंदिर हो, पूजा पाठ हो, हम वहाँ नहीं जाएंगे हमारे घर वाले। इसके लिए जो भी मन्नत है हम फटाफट उतार दे रहे हैं, तो यहाँ का अपना मन्नत उतार रही हूँ। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे मंदिर है। अब वहाँ से मैं, यही हमारे गांव की मंदिर है, जैसे जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ की ये मंदिर है। पंडित जी दरवाजा नहीं खुल रहा, संडे है, लेकिन फिर भी ये इनका मतलब यहाँ पे मानना है कि ये जो माँ है सबका मन्नत पूरा करती है। जैसे तो हर माँ मन्नत पूरा करती है अपने बच्चों का। लेकिन बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आई हूँ, पूरा चेंज हो गया है यहाँ का। साड़ी उड़ी वही चढ़ाना था, तो हम वही पंडित जी से बोले कि हम कैसे चढ़ाएं, तो बोले कि हम आए जाके हम जाकर उधर साड़ी उड़ी चढ़ा देंगे, आपको जो भी भोग वोग हम है लगा देंगे, आपको प्रसाद उरसाद हम वहीं से दे देंगे। क्योंकि को सिर्फ पंडित जी ही जाते हैं पूजा करने के लिए, अब पता नहीं क्यों, इतना पता नहीं है। मैं ससुराल का पूरा वीडियो मैं वहाँ से क्यों नहीं चालू की, क्योंकि मुझे जल्द मतलब एकदम जल्दी जल्दी में सुबह ही निकलना था। इसकी वजह से आप पूरा अभी घर में काम चालू है, तो इसके वजह से मैं वहाँ से नहीं बना पाई। यहाँ पे पता ही है कि अगर कोई एक जन कैमरा पकड़ता है तो ही होता है, तो वहाँ पे कोई नहीं था पकड़ने के लिए। अब यहाँ मैं आ गई, वहाँ से एक सोना भवानी है, वो गांव है मतलब बिहार है, ठकड़ा ठकड़ाहा है, जो उधर वाले लोग हैं उनको पता है, जो हमारे मायके ससुराल का वाले लोग हैं उनको सभी पता है। तो ये सोना भवानी भी मतलब बहुत ये बोल लोग बोलते हैं कि जो भी मन्नत मांगो ये पूरा करती हैं, सच में मेरा पूरा हुआ है। तो यहाँ पे है मेरा बुआ का मतलब बुआ का घर भी है यहाँ ठकड़ाहा में, तो मुझे भाभी लोग से बोलना भी था जनेऊ के लिए। देखिए बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। आज संडे है, इसके वजह से कोई मतलब इतना भीड़ नहीं है, नहीं तो मंडे और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़। अब क्या बोलूँ आपसे, मैं आने वाली थी मंडे को ही, लेकिन मुझे वो जाना था चाचा चाची के घर पर, वो सब बोलने के लिए और भगवान के लिए चिवड़ा उड़ा कूटना था, उसके लिए मुझे जाना था वहाँ। इसके लिए मैं वहाँ नहीं, मैं मंडे को नहीं आ पाई, तो संडे को ही आकर यहाँ पे हम लोग अपना पूजा पाठ किए अच्छे से। यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुआ। ये जो है वो मेरी भाभी है, मेरी बुआ की बहू है, तो वही लेकर आई हैं मुझे। चलिए अब यहाँ से हम जाएंगे अपने बुआ के घर पे। ये बहुत बड़ा मंदिर भी है, मंदिर यहाँ यहाँ सबसे आना मेरा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दिन से मेरा मन्नत था, मन भी था। 25 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ आप लोग को लेकर जरूर जाएंगे। मुझे खुद पता नहीं है, मैं खुद 25 साल बाद आई हूँ, मुझे खुद पता नहीं है रास्ता वास्ता कुछ। अब जहाँ जाएंगे वहाँ का जरूर नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं आ गई हूँ बुआ के घर पे, पहुँच चुकी हूँ, खाना खाने जा रही हूँ। और खाना में पता ही है बिना लहसुन प्याज वाला सब्जी, हर जगह जब जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे सब जरूरी है, सब देखना बिना लहसुन प्याज का खाना ना खाए। तो यहाँ पे भाभी पहले से तैयार की थी, आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए दाल चावल ये सब्जी, देखिए ऐसा लग रहा है कि हम मेहमान हैं, मेहमान की तरह हो रहा है। हमारी बुआ नहीं है, अनेक भी था, सिर्फ भाई लोग हैं। तो यहाँ 25 साल बाद आई हूँ सबसे मिलने के लिए, ऊपर से निकल जाना है लखनऊ। चलिए मिलते हैं, खाना वाना खा कर फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत गांव दिखाऊंगी मैं। वहाँ जाने के बाद खाना उना खुद ही बनाना पड़ेगा, वो खाएंगे लोग।
के बहू है, मेरी ननद भी भाभी,